धन्यवाद। हमारे यहाँ पर न जाने मंत्रियों को पोर्टफोलियो किस आधार पर दिए जाते हैं, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री बनाए किस लिए गए या किस पात्रता के आधार पर बनाए गए ये भी कोई नहीं जानता, न रक्षा मंत्री के एंटनी रक्षा मंत्री क्यों बनाए गए ये भी कोई नहीं जानता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी चौहान जी नमस्कार। बोलिए। मैं श्री पुंजे राय बोल रहा हूँ सऊदी अरबिया से। हाँ जहाँ तक मेरा मानना है चीन और भारत के मुद्दे पर इनर्जेटिक रूप से दिवालिया हो चुकी चुकी ये सरकार, हमें कोई आशा नहीं कर सकते। यह सरकार न खुद चुड़िया पहन रखी है बल्कि भारतवासियों को भी चुड़िया पहना रखी है, और यह सरकार यदि इतना डरपोक है तो फिर अग्नि फाइव, ब्रह्मोस और सुखोई जैसे हथियारों को रखने की क्या वजह बनती है। जहां तक मेरा मानना है कि चाइना की बर्बादी के लिए इंडिया काफी है, लेकिन अगर चाइना को अपनी बर्बादी का डर नहीं तो फिर भारत सरकार को अपनी बर्बादी का डर क्यों है। इस सब को लेकर भारत इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ख्याति को प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा है, और इसे आने वाले भविष्य में भारतवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और चीन को एक ऐसी सबक सिखाए जो फिर वो जो 1962 की लड़ाई से वो अपने अपने आप को वैसा कर चुका है कि अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, मैं काटावा जी उड़ीसा से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ आज हमारा देश का दुर्भाग्य है, कभी पाकिस्तान हमारे को आग दिखाता है, कभी चीन आग दिखाता है, और आज चीन हमारे सीमा के अंदर घुस आया और हमारे प्रधानमंत्री का अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। तो मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस टाइम पर हमारा देश ने पोखरण का परीक्षण किया था उस टाइम पर हमारे पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, उस टाइम पर अटल जी ने बहुत साहस दिखाया था और कहा कि तुम्हारा प्रतिबंध अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारे प्रोडक्ट का भारत में मैं प्रतिबंध लगाता हूँ। उसने डर के मारे उसी तुरंत हमारे ऊपर में प्रतिबंध हटाया था। आज हमारे देश को प्रधानमंत्री को साहस दिखाने की जरूरत है। आज देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे हमारे सेना में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, तो ये सरकार क्यों डरती है इसका कोई समझ में नहीं आता है। तो आज हम यही चाहते हैं कि इन्होंने भी जैसे वाजपेयी जी ने साहस दिखाकर जो बातें कही थी, हमारे भी प्रधानमंत्री को ये साहस दिखाना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। पहले देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय, पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय। चीन की नीयत पूरी दुनिया जानती है कि चीन दुनिया में अपने बाजार को बढ़ाते हुए अपने सामान का चारों तरफ विस्तार करना चाहता है। ये एक खतरनाक स्थिति है। चीन का लाइन ऑफ कंट्रोल, चीन का सीमा विवाद अन्य देशों के साथ हमेशा से ही रहा है, खासकर भारत के साथ चीन का अतिक्रमण गंभीर मुद्दा है। चीन की विदेश नीति, चीन ने अपने आप को एक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। $100 बिलियन से भी ज्यादा वो अपने रक्षा में खर्च कर रहा है, इसलिए उसकी विदेश नीति दूसरों को डिक्टेट करती है। दक्षिण चीन सागर का मसला, वियतनाम के साथ समझौता जिसके तहत भारत इस क्षेत्र में तेल खनन का कार्य कर रहा है और इस क्षेत्र में चीन अपनी संप्रभुता की बात करता है। चाइनीज प्रोडक्ट से भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे प्रोडक्ट भारत में हावी हो रहा है। अगले कॉलर नमस्कार। सर राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से। बोलिए। देश की सुरक्षा के बारे में अनजान और चीन के मामले में चुप रहने वाली हमारी सरकार इस संकट से टल जाने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की सरकार को चीनी सेना की मंशा का पता नहीं है। एक घटना 2010 में हुई थी जब जासूसी के इरादे से भारतीय सीमा में घुसे एक चीनी मानव रहित विमान को भारतीय सेना ने रॉकेट से उड़ा दिया था। उस समय इस आक्रामक गतिविधि के चलते चीन का मनोबल गिरा था। आज सरकार के पास देश की सैन्य क्षमता का उपयोग करने की हिम्मत और समझ दोनों का ही अभाव है, जिसके कारण चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत को आंखें दिखा रहा है। आज आवश्यकता है कठोर कार्रवाई करके सबक सिखाने की। वंदे मातरम। धन्यवाद। कॉलर अपनी बात रख रहे, आप सुन रहे कि कैसे लोग इस विषय पर कितने आक्रामक है और क्या कार्रवाई की अपेक्षा सरकार से रखते हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस विषय पर कोई कड़ा बयान तक नहीं दिया है। कड़ा कदम उठाना तो बहुत दूर की बात। हमारी सेना की ताकत बहुत बड़ी है,
कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था कि भारत के अगर 10% भी सैनिक मुझे मिल जाए तो मैं अमेरिका को हरा सकता हूं। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के हमारे सैनिकों के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद होते हैं। उनकी मर मिटने के लिए जो तैयारी होती है, शहीदी के लिए जो तैयारी होती है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं होती। इतनी आक्रामक होती है, इतनी समर्पित होती है। ऐसे सैनिक होते हुए, इतने हिम्मत वाले सैनिक होते हुए भी जब देश का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व जब सक्षम नहीं, हिम्मत वाला नहीं, तो सेना मजबूत होने के बावजूद भी देश कमजोर होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रकाश है, बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ, चाइना तो ऐसे घुस रहा है जैसे कि एक चूहे घुस रहे हमारे देश में। तो बस तो हमको विदेशी न्यूज को भगाना पड़ेगा सर, तभी हमारा देश वो कुछ कर पाएगा सर। कुछ न्यूज वाले दिखाते ही नहीं है, इसलिए विदेशी न्यूज को पहले भगाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चाइना हमें हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता है, यहाँ तक कि आने वाले दिनों में तो छोटे छोटे राष्ट्र भी हमें आंख दिखाएंगे। इसका कारण ये नहीं कि हम बाहरी रूप से कमजोर हैं, बल्कि इसका कारण ये है कि हम आंतरिक रूप से कमजोर हैं। आज हम छोटे छोटे मुद्दों पर उलझे हुए हैं। हमारी केंद्र सरकार कोयला लूटने में लगी हुई है, 2G लूटने में लगी हुई है, बस इन्हीं चीजों में। मुलायम सिंह ने कल ही एक आतंकवादी को छोड़ा है और आतंकवादियों को छोड़ने की तैयारी में है, तो क्या इससे हमारे देश के रक्षा बलों का या जवानों का मनोबल नहीं गिरता? हम जान की बाजी लगाकर देशद्रोहियों को पकड़कर लाते हैं और केंद्र सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए इनको छोड़ देती है। बिल्कुल, चलिए हम इस मुद्दे पर जरूर आवाज उठाएंगे और देश को बोलने का मौका देंगे, लेकिन हम फिलहाल आज चाइना के विषय में आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं और इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। हाँ, यहाँ अब थोड़ी देर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चाइना को सबक सिखाना जरूरी है? क्या कहना है आपका? अब तक के हर कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है कि हाँ, चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन देश की सरकार है कि इस विषय पर मौन है, बल्कि चुप्पी साधे हुए है, और उस चुप्पी का देश को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, और देश बिंदास बोल में कॉल करके अपनी बात को रख रहा है। आप भी रख सकते हैं अपनी बात, और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ों से, क्योंकि कई लाख लोग एक साथ प्रयास करते हैं इसलिए संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप फेसबुक के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। ऐसी एक प्रतिक्रिया हमारे नेटिजन ने दी है कि यह अजीब देश है, इसका नाम चीनी है लेकिन ये काम कड़वाहट का करता है, और दूसरी तरफ इसका दोस्त और हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, जिसमें जिसके नाम में तो पाक है लेकिन इरादे नापाक है। ये दोनों पड़ोसी नाम के विपरीत व्यवहार करने वाले भारत को हमेशा परेशान करते हैं, और इनके खिलाफ कभी ना कभी निर्णायक निर्णय करने की जरूरत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, यह सवाल तब उठता है जब देश का कोई इष्ट हो, देश का नेतृत्व तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों से जूझ रहा है। चीन दक्षिण और पूर्वी सागर में भी ऐसी हरकत कर रहा है। ऐसा देश जिसने हमेशा शत्रुता निभाई हो, उससे हाथ मिलाने से पहले कूटनीति के बारे में सोचा जाए, बाद में नहीं। संवेदनशील क्षेत्र को पुलिस को सौंपना कितना सही है? चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पर 18 किलोमीटर आगे आकर टेंट गाड़ने के बाद विदेश मंत्री का बयान, चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा बचाने को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस समय सबक सिखाने के लिए उसके किसी अन्य इलाके पे तंबू गाड़ दिया जाए, लेकिन जो नेतृत्व आजादी को, हजारों शहीदों की क्रांति को दरकिनारा कर शांति के रास्ते पर निरुद्देश्य खुद भी व देश को भटका रहा हो, उससे कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। कदम उठाना तो चाहिए, उठाए कौन? नमस्कार, धन्यवाद। कौन उठाए, इसका जवाब है कि सरकार ने उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार ही इस देश की सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है और ये उसी का काम है, हालांकि देश की जनता का भी काम है। वो चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बायकॉट करना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं।
नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ, कि जब अपने घर की बारी आती है, हाँ, जब लोग इकट्ठे होते हैं, इस देश की जनता इकट्ठी होती है, इनके घर की तरफ जाती है तो ये लाठी चार्ज करते हैं, हाँ, लाठी चार्ज करते हैं। और जब दुश्मन देश आके हमारे घर में बैठ गया तब इनसे जवाब नहीं दिया जाता। ये सब बैठे हैं हमारे हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, इनमें दम नहीं है कि उसको जवाब दे पाए चाइना को। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस देश की जनता के द्वारा चुने गए, जनता के प्रतिनिधि कहने वाले, जनता के रहनुमा बनकर सरकार में कुर्सी पर बैठने वाले नेता अपने घर के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देते। अगर वहां इस देश का नागरिक आता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर पानी की तेज बौछार की जाती है, यहां तक कि उस पानी में गटर का पानी मिलाया जाता है जिससे कि लोगों को खुजली हो, गंदगी आए और वहां से भाग जाए। लेकिन इन नेताओं के घर के पास आने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन इस देश की सीमा के अंदर घुसकर आने वालों के खिलाफ कुछ नहीं। अगले कॉलर। हाँ, जयंत सर, ब्याज चौधरी जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। मैं बोलिए, अपने पार्लियामेंट ऐसी है जो नाचने वाले, गाने वाले, डाकू, लुटेरे, इनसे कौन रहा, चीन कहते छोटा देश भी ले सकता सर। जयंत सर, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ एमएमएस हमारे पास है, उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जो हरकत कर रहा है उसका जितने भी तरीके हैं कड़े से कड़ा विरोध किया जाए, हर तरीके से विरोध करना जरूरी है। सरकार ने तो करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी घंटे और दिन और कैलेंडर गिनने पर लगी हुई है, और उनको चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा उससे पहले ज्यादा जरूरी है। बल्कि सरकार ने कहना चाहिए था, जब तक हमारे सीमा के बाहर चीनी सैनिक नहीं जाते, हम चीन के प्रधानमंत्री को भारत में नहीं आने देंगे। लेकिन शायद हमें ज्यादा जरूरत है ये दिखाते हुए हम उनका रेड कार्पेट बिठाकर स्वागत करें। अगले कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, ऐसा है, जिस देश की सरकार, जिस देश का राजा कमजोर होगा उस देश का भगवान ही भला कर सकता है। हमारे मनमोहन सिंह जब पाकिस्तान के सैनिकों ने अंदर घुसपैठ की और उसके बाद हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और पाकिस्तान के पीएम हमारे आए और उनकी मेहमान नवाजी की। अब चाइना घुसपैठ कर रहा है, चाइना तो, लेकिन मनमोहन जी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। इन निकम्मी सरकार के पल्ले कुछ भी नहीं है। एक हमें कमजोर नेता की बजाय एक जाबाज नेता की जरूरत है जो। धन्यवाद। बड़ा अच्छा उदाहरण याद यहाँ पर इन्होंने इतिहास की दिए है और इतिहास दोहराने जा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे देश के सैनिकों के सर काटे, फिर भी वहां के प्रधानमंत्री को हमने यहाँ पर आकर अजमेर में सर झुकाने के लिए रेड कारपेट बिछाया और उसको मेहमान नवाजी की, बिरयानी खिलाया, विदेश मंत्री उनके प्रोटोकॉल के लिए जयपुर गए। चाइना ने देखा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, उसके लिए भी अगर भारत ये रवैया अपनाता है तो हमें कुछ भी वो हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान के कृति की पुनरावृत्ति चीन कर रहा है।